लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। कल यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बैठक होगी सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर में यह बैठक होनी है जमीन लेने के मामले पर। बैठक में कल फैसला लिया जा सकता है। जमीन लेने को लेकर बोर्ड के सदस्यों में अभी फिलहाल मतभेद हैं, लेकिन हो सकता है कि ये सभी मतभेद सुलझ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर सभी आ जाएं। कुछ सदस्य जमीन लेने के पक्ष में हैं और कुछ नहीं है, लेकिन कल की अहम बैठक के बाद ये तय हो सकता है कि राम लला जो मंदिर बनने जा रहा है उसके एवज में जो जमीन दी गई है मुस्लिम पक्ष को, यानी कि यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को, वो लेंगे या फिर नहीं लेंगे। इसको लेकर दरअसल यहां पर कल सर्वसम्मति से बात सामने आएगी और उसको लेकर कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है लखनऊ में। हालांकि पहले इस तरीके से बातें सामने आ गई हैं कि जमीन को लेकर जो जमीन धनीपुरा में है वहां पर स्कूल या कुछ अन्य सामाजिक कार्य वाले संस्थान बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक ये बात पुख्ता नहीं हो पाई है। जमीन लेने को लेकर बोर्ड में कल फैसला लिया जाएगा। कुछ सदस्य अभी भी जमीन ना लेने के पक्ष में हैं और कुछ चाहते हैं। लखनऊ से संदीप खेर हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर। संदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे जो लखनऊ अयोध्या के आसपास धनीपुरा में जो जमीन सरकार देने जा रही है वो तो बात पुख्ता सी हो रही है, लेकिन अभी तक सदस्यों में ये बात पुख्ता नहीं हो पाई है, वो जमीन लेंगे या फिर नहीं लेंगे। कल की महत्वपूर्ण बैठक में क्या होने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल कुलदीप जी, आपको बता दें जिस तरह से अभी तक जब से उनको जमीन के लिए कहा गया है, पर अभी जमीन लेने को एक तरह से कह सकते हैं कि जो बोर्ड की बैठक की रजामंदी नहीं हो पाई थी जिसको लेके बैठक हो रही है। और आपको बता दें कि बैठक के साथ में जमीन के साथ में और भी कई तरह की बातें होंगी कि उसमें मस्जिद बनाई जाएगी या उसके अलावा और वहां पे क्या बनाया जाएगा, जिसको लेके कल बैठक रखी गई है, जिसके बाद ही सारी निश्चित कह सकते हैं सारी जो बातें हैं जो चीजें हैं वो निश्चित होंगी या नहीं। लो जबकि वक्फ बोर्ड के कुछ एकाध लोग भी हैं ऐसा जिनका कहना यह है कि जमीन जो है वो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बाकी बहुत शुक्रिया संदीप खेर इस पूरी जानकारी के लिए आपका।